द टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज़ लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ टोटल दो लंग एंड वॉल्यूम्स एंड कैपैसिटीज़ हम लोग को डिस्कस करना है सबसे पहला है स्टेटिक लंग वॉल्यूम्स एंड कैपैसिटीज़ और दूसरा है डायनमिक लंग वॉल्यूम्स एंड कैपैसिटीज स्टेटिक लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज ऐसे लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ को हम लोग को इसके अंदर डिटरमाइन करना है जिसके अंदर टाइम का कोई भी रोल नहीं है मतलब नॉर्मल लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं उसको हम लोग स्टेटिक लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी कहते हैं जिसके अंदर हम लोग टाइम का कोई भी फ्रेम नहीं मानते हैं जिस वजह से इसका यूनिट या तो मिल लीटर में आएगा या तो लीटर में आएगा क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट या तो मिली लीटर या तो लीटर होता है तो इसके अंदर सिंपल लंग वालीम एंड कैपैसिटीज़ को डिटरमाइन किया जाता है जबकि जो दूसरा लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी होता है जिसको हम लोग डायनेमिक लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज कहते हैं इसके अंदर टाइम का रोल होता है मतलब ये टाइम डिपेंडेंट लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज हम लोग को कैलकुलेट करना होता है तो टाइम का डिपेंडेंट मतलब टाइम का फैक्टर जब हम लोग इंक्लूड कर देते हैं लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज में तो इसका यूनिट हो जाता है या तो लीटर पर मिनट या तो लीटर पर मिनट में इसका यूनिट आ जाता है और इस तरह के लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को हम लोग कह देते हैं डायनेमिक लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज सो स्टार्टिंग विद द स्टेटिक लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज कमिंग टू दी स्टेटिक लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज स्टेटिक लंग वॉल्यूम और स्टेटिक लंग कैपेसिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग सबसे पहले समझते हैं स्टेटिक लंग वॉल्यूम जो होता है वो कोई भी नॉर्मल रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर उस लंग के अंदर कितना एयर फिल्ड है इसको हम लोग उसका लंग वॉल्यूम कहते हैं किसी भी रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर लंग के अंदर कितना वॉल्यूम फिल्ड है उस रेस्पिरेटरी कंडीशन का वो क्या होता है लंग वॉल्यूम होता है और एक से ज्यादा लंग वॉल्यूम को मिल करके बनती है कैपेसिटीज दैट इज लंग कैपेसिटीज़ तो वॉल्यूम्स जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये सब वॉल्यूम होता है किसी एक स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर और कैपेसिटीज इन वॉल्यूम्स को मिला करके कहीं कैपेसिटीज बनती हैं लाइक इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी या फिर टोटल लंग कैपेसिटी तो वॉल्यूम्स के कॉम्बिनेशन से कैपेसिटीज़ बनती है अब क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेटिक लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ तो इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ सारे वॉल्यूम्स और सारे कैपेसिटीज़ की वैल्यूज़ याद रखना ज़रूरी होता है तो इस सारी वैल्यूज़ को याद रखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कंसेप्ट समझना तो अगर हम लोग इसका कंसेप्ट समझ लेंगे तो इसकी वैल्यूज हम लोग को ईजिली याद हो जाएंगी इसका कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग एक एक्सेस पे लंग वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं और दूसरा एक्सेस पे हम लोग किसी चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि स्टैटिक लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर हम लोग लंग लो लो वॉल्यूम ही डिटरमाइन करते हैं उसके अंदर टाइम का कोई भी फैक्टर इंक्लूडेड नहीं होता है तो एक वाई एक्सेस बनाते हैं जिसके अंदर लंग वॉल्यूम या फिर को हम लोग लो मिली के अंदर कंसिडर करते हैं इसमें चार लैंडमार्क्स हम लोग डाल देते हैं एक 1200 मिलीलीटर दूसरा 2300 मिलीलीटर तीसरा 2800 मिलीलीटर और चौथा 5800 मिलीलीटर ये चार लैंडमार्क्स हमने डाल दिया मिलीलीटर के रूप में चार लैंडमार्क्स पे आप चार लाइन ड्रॉ कर लीजिए और नॉर्मल ब्रीदिंग को आप नॉर्मल ब्रीदिंग को आप समझिए इसके अंदर सबसे पहले हम लोग नॉर्मल जब ब्रीथ करते हैं मतलब नॉर्मल इंस्पायर और नॉर्मल एक्सपायर करते हैं तो जो वॉल्यूम का चेंज होता है वो होता है 500 हंड्रेड मिली का मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग के समय में हम लोग टोटल 500 हंड्रेड मिली एयर को इंस्पायर या फिर एक्सपायर करते हैं और ये नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर जो हम लोग इंस्पायर या फिर एक्सपायर करते हैं एयर को वो जो वॉल्यूम होता है उसको हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम या फिर टी ये टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो 2800 और थ्री ट्वेंटी के बीच में होता है मतलब इस टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है अप्रोसीमेटली 500 तो ये टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 500 मिलीलीटर का होता है उसके बाद जब हम लोग डीप इंस्पायरेशन करते हैं तो डीप इंस्पायरेशन करते हैं तो हम लोग का लंग वॉल्यूम जो होता है वो फिफ्टी एट हंड्रेड तक चला जाता है तो फिफ्टी एट हंड्रेड तक जो गैन हमारा डीप इंस्पायरेशन करने के बाद तो ये जो टाइटल वॉल्यूम के ऊपर का जो पार्ट हुआ उसको हम लोग कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाता है फिफ्टी एट हंड्रेड माइनस ट्वेंटी एट हंड्रेड तभी जा करके ये वैल्यू आएगी और ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की लगभग अप्रॉक्स वैल्यू आ जाती है थ्री थाउजेंड मिली इसके बाद फिर हम लोग करते हैं डीप एक्सपायरेशन तो जब डीप एक्सपायरेशन करते हैं तो टाइटल वॉल्यूम के नीचे ये जो पूरा वैल्यू होता है वो आ जाता है एक्सपायरेशन के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाता है 2300 थ्री हंड्रेड माइनस ट्वेल्व तब जा करके ये वाला वैल्यू आता है जिसको हम लोग कहते हैं जो आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 1100 हंड्रेड मिलीलीटर इसके बाद फिर हम लोग कहते हैं कि कंप्लीट एक्सपायरेशन करने के बाद भी हम लोग के लंग्स में कुछ ना कुछ एयर फिल्ड होती है कंप्लीट एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो लंग्स के अंदर एयर फिल्ड होती है उसको हम लोग आर बी या फिर रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं और ये रेसिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू 1200 होती है ये लंग्स के अंदर फिल्ड रहती है सो दिस इज द रेसिडुअल वॉल्यूम दैट इज ट्वेल्व हंड्रेड तो टोटल चार वॉल्यूम हमने डिस्कवर किया सबसे पहला होता है जो लंग्स के अंदर हमेशा फिल्ड रहेगा एयर जो कि ट्वेल्व हंड्रेड मिलीलीटर होता है उसके बाद हम लोग जब नॉर्मल इंस्पायर एक्सपायर करते हैं तो फिर टाइडल वॉल्यूम उसको हम लोग कहते हैं जो कि लगभग 500 मिलीलीटर का होता है जितना हम लोग आगे इंस्पायर कर सकते हैं जिसको हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं वो होता है अप्रॉसीमेटली 3000 मिलीलीटर और जितना हम लोग और एक्सपायर कर सकते हैं वो होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये होता है अप्रोक्सीमेटली एलेवन हंड्रेड अब इन वॉल्यूम्स को मिल करके कहीं कैपेसिटीज़ बनती हैं मतलब ये जो टाइडल वॉल्यूम है और ये जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है इन दोनों को मिला करके बनती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है थर्टी फाइव हंड्रेड मिलीलीटर उसी तरह अगर हम लोग ये हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इन तीनों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो फिर हम लोग को मिलता है वाइटल कैपेसिटी जिसकी वैल्यू होती है फोर्टी सिक्स हंड्रेड ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है हमारा और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तब हमारे पास जो कैपेसिटी आती है उसको हम लोग कहते हैं एफ आर सी दैट इज़ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी थ्री हंड्रेड मिली और टोटल लंग की अगर हम लोग कैपेसिटी बात करते हैं मतलब सारे वॉल्यूम्स को जो हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोगों को टोटल लंग कैपेसिटी मिलती है जो कि लगभग होती है फिफ्टी एट हंड्रेड मिली बट अप्रोक्सीमेशन में हम लोग इसको सिक्स लीटर लिख देते हैं तो ये सारी स्टैटिक लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ होती हैं जिसमें ये सारे लंग वॉल्यूम्स होते हैं और ये लंग कैपेसिटीज़ होती हैं इस ग्राफ को हम लोग ईजिली प्लॉट कर कर करके आराम से कोई भी वॉल्यूम और कैपेसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं डायनेमिक लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ जिसके अंदर टाइम को हम लोग एक फैक्टर कंसिडर करेंगे नाउ कमिंग टू द डायनेमिक लंग वॉल्यूम एंड कपैसिटीज डायनेमिक लंग वॉल्यूम्स एंड कैपैसिटीज़ जिसके अंदर हम लोगों को टाइम का कंसिडरेशन लेना है लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज कैलकुलेट करते समय इसके अंदर सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्सड वाइटल कैपेसिटी या फिर एफ वी सी फोर्स्ड वाइटल कैपैसिटी इज नथिंग बट इट इज जस्ट इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी बट इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है ये वर्ड का जिसको हम लोग कहते हैं फोर्सड ये फोर्सड वाइटल कैपेसिटी हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि, कि किसके अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर जो पर्सन जिसका हम लोग को फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी निकालना है उसको हम लोग कहते हैं सबसे पहले डीप इन्हेलेशन या फिर इंस्पिरेशन करने के लिए डीप इन्हेलेशन करने के बाद उसको हम लोग कहते हैं कि वो अपना ब्रीथ को होल्ड करे और उसके बाद फिर जितना फोर्सफुल एक्सपाइरेशन वो कर सकता है या फिर जितना फोर्सफुल एक्जलेशन वो कर सकता है उतना फोर्सफुल उतना रैपिड एक्जलेशन उसको हम लोग करने के लिए कहते हैं और वो एक्जलेशन या फिर रैपिड वो रैपिड या फिर फोर्सफुल एक्जलेशन जो वो करता है उस समय हम लोग इसका जो वाइटल कैपेसिटी निकालते हैं उसको हम लोग कहते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी सो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स वाइटल कैपेसिटी इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर विच कैन बी ब्रीथड आउट फोर्सफुली एंड रैपिडली एज पॉसिबल फॉलोइंग ए मैक्सिमम इंस्परेशन सो इस ग्राफ़ के इस ग्राफ में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी को तो सबसे पहले हमने कहा पर्सन को इनहेल करने के लिए उसने डीप इन्हेलेशन किया अपना ब्रीथ को होल्ड किया और उसके बाद उसने फोर्सफुल एंड रैपिड एक्सपायरेशन किया और ये फोर्सफुल और रैपिड एक्सपायरेशन के समय में वो कितना वॉल्यूम वो एक्सपायर करता है उसको हम लोग फोर्ड वाइटल कैपेसिटी कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग इसको फ्रेम करते हैं टाइम के कंसिड्रेशन में हम लोग इस एक्सपायरेशन को जब हम लोग फ्रेम करते हैं तो जितना वो एक्सपायर करता है एयर फोर्सफुल और रैपिडली एक्सपायरेशन से आफ्टर होल्डिंग द ब्रेथ ऑफ द कंप्लीट एंड डीप इंस्पायरेशन उस वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी नाउ ये फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी के तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सबसे पहला होता है फोर्सड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकेंड एफ ई वी वन दूसरा होता है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन टू सेकंड और तीसरा होता है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन थ्री सेकंड सबसे पहले फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकेंड ये फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकेंड क्या है वो वॉल्यूम जो कि वो अपने एक्सपायरेशन मतलब जैसे ही उसने एक्सपायर करना स्टार्ट किया यहां से टाइम स्टार्ट हो गया एक सेकेंड के अंदर वो जितना वॉल्यूम एक्सपायर करेगा उसको हम लोग कह देंगे फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकेंड और ये एक सेकेंड के अंदर ये जितना वॉल्यूम एक्सपायर करता है वो अप्रोक्सीमेटली एटी परसेंट ऑफ द फोर्ज वाइटल कैपेसिटी होता है मतलब टोटल उसने मान लीजिए कि अगर उसको इतना वॉल्यूम एक्सपायर करना है लेट सपोज उसको सिक्स लीटर uh, वो टोटल एक्सपायर कर रहा है वो टोटल एक्सपायर कर रहा है मतलब फोर्स वाइटल कैपेसिटी उसका सिक्स लीटर है तो फिर उसका 80 परसेंट वो फर्स्ट से फर्स्ट सेकेंड के अंदर ही एक्सपायर कर देता है तो 80 परसेंट ऑफ द फोर्ज वाइटल कैपेसिटी इज द फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकेंड बचा हुआ नाउ नेक्स्ट टर्व इज फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन टू सेकेंड अब पहले दो सेकेंड के अंदर वो कितना एक्सपायर करता है उसको हम लोग कहते हैं फोर्ज एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन दो सेकेंड तो जितना वॉल्यूम ये टोटल एक्सपायर करता है उसका लगभग नाइन्टी फाइव परसेंट वो पहले और दूसरे सेकेंड मिलाकर के वो एक्सपायर करता है मतलब फोर्स और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन टू सेकेंड इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द फोर्ज वाइटल कैपेसिटी अब वो तीन सेकंड टोटल तीन सेकेंड अगर मिला दिया जाए तो वो कितना एक्सपायर करता है तो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन थ्री सेकंड अप्रॉक्सिमेटली नाइन्टी टू तो हंड्रेड परसेंट ऑफ द फोर्स्ट वाइटल कैपेसिटी होती है मतलब से, तीन सेकंड में जाकर के उसका पूरा का पूरा जितना एक्सपायरेशन उसको करना होता है लगभग वो पूरा कंप्लीट कर लेता है तो ये जो टाइम के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया इस फोर्स वाइटल कैपेसिटी को तीन कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया एफ ई वी वन एफ ई वी टू और एफ ई वी थ्री नॉर्मल नॉर्मल पर्सन के अंदर एफ ई वी वन एटी परसेंट ऑफ एफ वी सी होता है एफ ई वी टू नाइन्टी फाइव परसेंट होता है और एफ ई वी थ्री नाइन्टी एट टू हंड्रेड परसेंट ऑफ एफ वी सी होता है बट हम लोग इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम लोग अब इसका डिस्कस करेंगे तो हमने देखा कि नॉर्मल पेशेंट के अंदर फॉर एग्जाम्पल फोस्ट वाइटल कैपेसिटी फाइव लीटर है और वन सेकेंड के अंदर फोर्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकंड फोर लीटर है तो इसका जो रेशियो है वो लगभग एटी परसेंट आ जाता है ये नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर हम लोग को ये ग्राफ देखने को मिलता है बट एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर रेस्ट्रिक्टिव डिजीजेज हैं रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ मतलब वो लंग्स को रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं और उसके एक्सपेंशन को प्रिवेंट कर रही हैं तो लंग्स की रेस्ट्रिक्टिव रेस्ट्रिक्टिव डिजीजेस लाइक एम्फाइजिमा काइफोसिस काइफोस्कोलियोसिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिस ये सारी जो है वो लंग्स की रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं इन रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स के अंदर क्या होता है कि जो फूड्स वाइटल कैपेसिटी होता है मतलब उसको पर्सन को कहा गया एक डीप ब्रीथ लेने का मतलब इंस्पायर करने को कहा गया और फिर उसको कहा गया कि अपना ब्रीथ को होल्ड करे और फिर कहा गया कि जितना रैपिड और फोर्सफुल एक्सपायरेशन वो कर सकता है वो करे जब उसने फोर्सफुल एक्सपायरे फोर्सफुल एंड रैपिड एक्सपायरेशन किया तो करने के बाद जब टोटल एक्सपायरेशन करने के समय में हमने देखा कि वो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी उसका जो था मतलब वो टोटल जितना एक्सपायर कर पा रहा था वॉल्यूम वो था सिर्फ और सिर्फ टू लीटर मतलब फोर्स वाइटल कैपेसिटी उसका डिक्रीज है पर्सन का जबकि फोर्ज एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन सेकेंड वो भी डिक्रीज हो जाता है बट इन दोनों का डिक्रीज इतना रह पाता है कि इसका जो रेशियो होता है दैट इज एटी परसेंट जो था वो नॉर्मल रहता है तो फोर्ज वाइटल कैपेसिटी इन वन सेकेंड अपॉन सॉरी फोर्ज एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन सेकेंड अपॉन फोर्ज वाइटल कैपेसिटी ये एटी परसेंट रिमेन रहता है लेकिन फोर्ज वाइटल कैपेसिटी जो था वो डिक्रीज हो जाता है इन द रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स ऑफ द लंग ऑब्स्ट्रक्टिव डिजॉर्डर्स ऑफ द लंग जैसे कि ब्रोंकियल आसमा होता है इसके अंदर फोर्ज वाइटल कैपेसिटी अप्रॉसीमेटली नॉर्मल रहता है कम तो होता ही है बट अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल रहता है लेकिन फोर्ज एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकेंड बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है जो नॉर्मल फोर लीटर होना चाहिए ये ये वन पॉइंट टू लीटर के आसपास में आ जाता है जिस वजह से फोर्ज एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकेंड अपॉन एफ का जो रेशियो होता है वो फोर्टी हो जाता है मतलब वो डिक्रीज हो जाता है तो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम लोग को समझ में आ गया अगर एफ ई वी वन अपॉन एफ वी सी का रेशियो नॉर्मल है लेकिन एफ वी सी डिक्रीज़ हो चुका है इसका मतलब है कि ये रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर है और अगर एफ ई वी वन अपॉन एफ वी सी का रेशियो डिक्रीज़ हो चुका है लेकिन एफ वी सी नॉर्मल है इसका मतलब वो एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर ऑफ द लंग है और अगर एफ वी सी एफ ई वी वन और एफ ई वन अपॉन एफ वी सी सब नॉर्मल है तो फिर वो नॉर्मल नॉर्मल पर्सन है तो ये एफ ई वी वन अपॉन एफ वी सी हम लोग को फोस्ट वाइटल कैपेसिटी का एप्लीकेशन समझ में आया इसके बाद हम लोगों को डायनेमिक लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ में दो चीज़ें और डिस्कस करनी होती है पहला है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट दैट इज़ पी और फिर हम लोग को डिस्कस करना होता है फ्लो रेट्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन सबसे पहले पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट को हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये पीक एक्सपायरी फ्लो रेट जो पी पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जो होता है वो जस्ट कुछ नहीं एक मैक्सिमम फ्लो रेट जो कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन में अटेन किया जा सकता है उसको हम लोग पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट कहते हैं मतलब लाइक हम लोग अगर हम लोग बात करें इस डायग्राम के थ्रू इसको समझे तो एक्सपायरेटरी फ्लो और लंग वॉल्यूम के बीच में जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले जैसे हमने कहा था कि पर्सन को कहा जाता है कि उसको जितना इंस्पायर कर सकता है वो इंस्पायर करे और ब्रीथ को अपने होल्ड करे और उसके बाद कहा जाता है उसको कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन करे जब वो फोर्सफुल और रैपिड एक्सपायरेशन करता है तो स्टार्टिंग में ही उसका जो एक्सपायरेशन का जो रेट होता है ना वही उस समय मैक्सिमम होता है मतलब जब आप एक्सपायर करना स्टार्ट करेंगे तो जो एकदम इनिशियल में जब आप एक्सपायर करना स्टार्ट करते हैं और फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं तो उसी समय सबसे ज़्यादा उसका रेट पाया जाता है तो इसीलिए उसको हम लोग कह देते हैं पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट कह देते हैं जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली फोर टू फोर लीटर पर मिनट आती है सो दिस इज द पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट नेक्स्ट टर्म है नेक्स्ट है फ्लो रेट्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन अब एक्सपायरेशन के समय में हर डिफरेंट समय में कितना फ्लो रेट है एक्सपायरेशन के दौरान उसको हम लोग इसके अंदर देखते हैं लाइक एफ ई एफ ट्वेंटी फाइव दैट इज़ फोर्स्ड एक्सपायरेटरी फ्लो ट्वेंटी फाइव परसेंट मतलब फ्लो रेट उस पॉइंट पे जब ट्वेंटी फाइव परसेंट एक्जलेशन हो चुका है उसी तरह एफ ई एफ फिफ्टी दैट इज़ उस समय पे या फिर उस टाइम पे uh, उस टाइम पे फ्लो रेट जिस समय फिफ्टी परसेंट ऑफ़ द एक्सपायरेशन हो चुका है और एफ ई एफ सेवेंटी फाइव एक टर्म होता है दैट इज़ फोर्स्ड एक्सपायरेटरी फ्लो एट सेवेंटी फाइव परसेंट मतलब उस टाइम पे फ्लो रेट कितना है जब सेवेंटी फाइव परसेंट एक्जिलेशन हो चुका है तो बिल्कुल ऐसी इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग को समझ में आ जाता है कि पीक के एक्सपायरेटरी फ्लो रेट वो रेट हो गया जिस समय एक्सपायरेटी फ्लो जो होता है फ्लो का जो रेट होता है तो वो मैक्सिमम होता है और ये कब होता है बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ जब जैसे ही हम लोग ब्रीथ को रिलीज करते हैं एक्सेल करने के लिए तो उस समय फ्लो रेट जो होता है वो मैक्सिमम होता है उसके बाद हम लोग ट्वेंटी फाइव परसेंट जब ट्वेंटी फाइव परसेंट जब एक्सपायरेशन हो चुका होता है तो उस समय हम लोग फ्लो रेट निकालेंगे तो वो हो गया फोर्ज एक्सपायरेटरी फ्लो ट्वेंटी फाइव परसेंट जब फिफ्टी परसेंट एक्जिलेशन हो चुका है उस समय निकालेंगे तो वो हो जाएगा फोर्ज एक्सपायरेटरी फ्लो फिफ्टी परसेंट और जब सेवेंटी फाइव परसेंट एक्जिलेशन कर चुके हैं तो उस समय हम लोग निकाल सकते हैं इस रेट को तो उसको हम लोग कह देंगे फोर्ज एक्सपायरेटरी फ्लो एट सेवेंटी फाइव परसेंट तो ये दो और टर्म हो जाता है एक फोर्ज एक्सपायरेटरी फ्लो और एक हो जाता है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट अब एक और ग्राफ को हम लोग समझते हैं जो कि क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये एक्सपायरेटरी फ्लो और लंग वॉल्यूम के बीच का ग्राफ है इस ग्राफ के अंदर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग मैन जो भी पर्सन होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो डीप ब्रीथ ले और डीप इंस्पायरेशन करने के बाद फिर वो एग्जीलेशन स्टार्ट करे फोर्सफुल और रैपिडली तो जब वो एग्ज डीप इंस्पायर किया रहता है तो सिंपल सी बात है कि उसके अंदर टोटल लंग कैपेसिटी डीप इंस्पायरेशन करने के बाद टोटल लंग कैपेसिटी हमारी होती है अप्रोक्सीमेटली सिक्स लीटर तो उस उसके लंग के अंदर टोटल वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली सिक्स लीटर जो होता है वो फिल्ड रहता है डीप इंस्पायरेशन के बाद उसके बाद जैसे ही वो एक्सपायरेशन स्टार्ट करता है तो उसके अंदर लंग वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट करता है बट रेट जो होता है वो स्टार्टिंग में इंक्रीज होता है रेट मतलब बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रेट मैक्सिमम पहुंच जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट और उसके बाद फिर ये रेट जो होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है और फाइनली लंग वॉल्यूम जो होता है वो ट्वेल्व हंड्रेड पर आकर के रुक जाता है क्योंकि उसके नीचे होता है रेसिडुअल वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा लंग के अंदर मेंटेन रहता है ये नॉर्मल पर्सन के अंदर हम लोगों को ये ग्राफ देखने को मिलता है बट एक ऐसा लंग्स जिनके अंदर रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेज है इस लंग्स के अंदर क्या होता है कि इस लंग का ग्राफ जो होता है वो इस तरह के देखने को मिलता है मतलब अगर पेशेंट को कहोगे डीप इंस्पायरेशन करने के बाद के लिए तो डीप इंस्पायरेशन में इसका जो टोटल लंग कैपेसिटी हो गया ना वो डिक्रीज हो जाता है मतलब वो तीन लीटर से ज़्यादा लगभग मान के चला जाए कि तीन लीटर से ज़्यादा उसका लंग उसको अलाउ नहीं करता है कि वो इंस्पायर कर सके क्योंकि देखो ये रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है रेस्ट्रिक्टिव डिजीज मतलब ऐसी डिजीजेज जो कि लंग्स के एक्सपेंशन को रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं और लंग्स का एक्सपेंशन अगर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो इस वजह से लंग्स के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर फिल नहीं हो पाएगी जिस वजह से टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाएगा और इस वजह से रिस्ट्रिक्टिव डिजीज के अंदर यहाँ लोग देख सकते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटीज का जो है वो डिक्रीज हो गया है क्यों डिक्रीज़ हुआ है क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टि डिजीज़ है अब लंग टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो गया डीप इंस्पायरेशन कर दिया डीप इंस्पायरेशन करने के बाद फिर डीप एक्सपायरेशन जब वो करेगा फोर्सफुल एक्सपायरेशन जब करेगा तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा जिस वजह से क्या होता है कि इसका रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो भी कम हो जाता है नॉर्मल रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो 1200 हंड्रेड रहना चाहिए बट इसका रेसिडुअल वॉल्यूम और कम रहता है इन पेशेंट्स का तो इन पेशेंट्स के अंदर टोटल लंग कैपेसिटी जो थी वो कम है रेसिडुअल वॉल्यूम है वो भी कम है और पीक एक्सपायरेटरी फ्लोरेट जो है वो भी कम है तो ये होता है पेशेंट ऑफ द लंग पेशेंट ऐसा पेशेंट जिनके लंग्स के अंदर रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स हैं अब ऐसे पेशेंट जिनके अंदर जिनके लंग्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर इनका टोटल लंग कैपेसिटी तो इंक्रीज़ हो जाता है मतलब टाइम के साथ साथ क्या होता है कि लंग का जो कैपेसिटी होता है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर वे है एयर वे के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लंग्स जो होता है वो अपना कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाता है तो समय के साथ क्या होता है कि टोटल लंग कैपेसिटी जो लंग्स का नॉर्मल सिक्स लीटर होना चाहिए वो उससे ज़्यादा बढ़ करके लगभग सेवन लीटर तक पहुँच जाता है तो इन पेशेंट्स के अंदर टोटल लंग कैपेसिटी हम लोगों को इंक्रीज़ दिखेगी फिर जब वो पूरा इंस्पायर करने के बाद जब वो फिर एक्सपायर करना स्टार्ट करता है पेशेंट फोर्सफुल एंड रैपिड एक्सपायरेशन करता है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है इसके अंदर देखने को मिल रहा है हम लोगों को जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो भी इसके अंदर इंक्रीज़ हो चुका है मतलब पूरा कंप्लीट एक्सपायरेशन के बाद भी जो नॉर्मल uh, 1200 मिलीलीटर का रेसिडुअल वॉल्यूम होना चाहिए वो भी इंक्रीज़ हो जाता है तो ये जो एयरवे दैट इज़ लंग के ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर टोटल लंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होता है रेसीडल वॉल्यूम भी इंक्रीज रहता है बट पीक एक्सपायरेटरी फ्लोरेट जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है तो हम लोग को समझ में आ गया नॉर्मल पेशेंट से रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ के पेशेंट के अंदर टोटल लंग कैपेसिटी रेस्डल वॉल्यूम और पीक एक्सपायरेटी फ्लोरेट तीनों चीज़ें डिक्रीज़ हो जाती हैं जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव डिज़ॉर्डर्स के पेशेंट के अंदर टोटल लंग कैपेसिटी और रेस्डल वॉल्यूम तो इंक्रीज़ हो जाता है लेकिन पीक एक्सपायरेटरी डिक्रीज हो जाता है तो ये एक नॉर्मल क्लिनिकली सिग्निफिकेंट क्लिनिकली सिग्निफिकेंस वाला ये ग्राफ था जो कि हम लोगों को समझना था इसके बाद दो चीज़ें दो टर्म्स और हम लोग समझते हैं पहला टर्म है क्लोजिंग वॉल्यूम और दूसरा है मिनट वेंटिलेशन नाउ दो और टर्म्स हम लोग डिस्कस करते हैं एक है क्लोजिंग वॉल्यूम और दूसरा है मिनट वेंटिलेशन क्लोजिंग वॉल्यूम क्या होता है क्लोजिंग वॉल्यूम को समझने के लिए हमने जब इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी ऑन द कम्प्लांस हमने समझा था कम्प्लांस ऑफ द लंग्स के वीडियोज़ में तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो कम्प्लेन जो लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स होता है उसके अंदर प्रॉपर और ज़्यादा वेंटिलेशन होता है क्योंकि उसके अंदर ग्रेविटी ज़्यादा लग रहा होता है जिस वजह से वहाँ पे लेस निगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है जिस वजह से वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर हो रहा होता है मतलब एलवलई जो होता है वो प्रॉपरली एक्सपेंड और एक्सपेंड uh, और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो क्लोजिंग वॉल्यूम क्या होता है कि हम लोग को एक और चीज़ पता है कि लंग्स के अंदर एक वालीम रेस्टोटल वालीम जो होता है वो हमेशा मेनटेन रहता है लंग्स के एलवलाई के अंदर वो रेसिडुअल वॉल्यूम लंग्स के अंदर का ज़रूरत क्यों होता है उसके अंदर लेट सपोज ये लंग्स के अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं हो मतलब हमने जब एक्सपायर किया और कंप्लीट पूरा लंग्स के अंदर से जितना भी एयर है वो बाहर निकलने लग जाए रेसिडुअल वॉल्यूम का कंसेप्ट खत्म हो जाए तो अगर सारा वॉल्यूम बाहर की तरफ निकल जाएगा तो ये जो पाथवे होता है ये पाथवे जो होता है वो कोलेप्स कर जाएगा और ये पाथवे कोलैप्स कर जाएगा जिस वजह से फिर वापस एयर अंदर नहीं आ पाएगा इस वजह से एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ़ द एयर लंग्स के अंदर होना ज़रूरी है जिसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं तो ये क्लोजिंग वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जिस समय ये एयरवे क्लोजर स्टार्ट होता है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन तो लंग वॉल्यूम दैट विद द बिगनिंग ऑफ द एयरवे क्लोजर इन द लोअर डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इस वॉल्यूम को हम लोग क्लोजिंग वॉल्यूम कहते हैं तो सिंपल सी बात है ये क्लोजिंग वॉल्यूम जो होगा वो रेसिडुअल वॉल्यूम से तो ज़्यादा ही होगा लेकिन ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी से कम होता है तो क्लोजिंग वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो समवेयर रेसिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के बीच में लाई करती है इसको हम लोग निकालते कैसे हैं तो फॉलर्स मेथड में से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं इसके बाद एक और टर्म हो जाता है जिसको हम लोग मिनट वेंटिलेशन कहते हैं या फिर इसको हम लोग पलमेनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं मिनट वेंटिलेशन क्या होता है इट इज़ एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड बाय द लंग्स इन वन मिनट एक मिनट के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ द एयर हम लोग इंस्पायर या फिर एक्सपायर कर पाते हैं उसको हम लोग मिनट वेंटिलेशन कहते हैं तो इसको कैलकुलेट करना ईजी है इट इज़ टाइडल वॉल्यूम इंटू रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट दैट इज टैटल वॉल्यूम लगभग फाइव हंड्रेड होता है और रेस्पिरेटरी रेट ऑन एन एवरेज ट्वेल्व ट्वेल्व होता है पर मिनट इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स सिक्स लीटर पर मिनट तो मिनट वेंटिलेशन की अप्रॉक्स वैल्यू होती है सिक्स लीटर पर मिनट सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन डू शेयर विद य फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल इफ यू वॉन्ट नोट्स फॉर दिस वीडियो मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल लिंक इस गिवेन डिस्क्रिप्शन में लो थैंक यू